ब्राउजर में टाइप करेंगे परिवहन सेवा, वेट करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर नीचे आएंगे, ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अप्लाइंग लर्नर लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 6 स्टेप दिख जाता है। अगर आपके स्टेट में इस तरह का दिखता है तो आपके स्टेट में ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस अप्लाई हो सकता है। अगर नहीं दिखता है तो आपके स्टेट में, अगर 7 ऑप्शन दिखता है तो आपके स्टेट में लर्नर लाइसेंस अप्लाई का सुविधा चालू नहीं है। इसके लिए आप को मैं अदर स्टेट का चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर यूपी का चेक किया, यूपी में 7 स्टेप है, सिलेक्ट स्लॉट बुक। अगर ये ऑप्शन आपके स्टेट में आ रहा है तब तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। और मैं दूसरे स्टेट का दिखाता हूँ, जैसे कि बिहार। बिहार में क्लिक करके चेक करते हैं, यहाँ पर 6 स्टेप है, तो यहाँ पर आप बिहार में अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी एमपी का दिखाने वाला हूँ, तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे आपको क्या करना है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर होम पर जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एमपी मध्य प्रदेश, अप्लाई। अप्लाई पर जैसे क्लिक किए, यहाँ पर 6 स्टेप है, कंटिन्यू, सबमिट। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सबमिट, सबमिट के बाद एप्लीकेशन होल्डर, आधार नंबर, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। पहले से ये स्टेट सेलेक्ट होगा। वर्चुअल आईडी या आधार नंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। या आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा। इसके बाद इसमें ओटीपी इंटर करेंगे, सारा टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद ऑथरिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना सारा एड्रेस और इसमें जो फोटो है वो फोटो दिख जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोसेड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप आरटीओ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको नीचे आना है, क्वेश्चन, आप कितना क्वालिफिकेशन है आपका वो सेलेक्ट कर लेना है। ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें अपना फ़ोन नंबर, परमानेंट एड्रेस सारा सेलेक्ट कर लेना है और प्रजेंट एड्रेस दोनों सेलेक्ट करना है। तो चलिए स्टेट सेलेक्ट करते हैं, स्टेट, हाउस नंबर, इसमें आपको विलेज टाउन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना कौन सी व्हीकल का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मोटर व्हीकल भी, इसको इस पर क्लिक करके डिसाइड कर लेना है। इसके बाद आपको और भी, अगर आप किसी गाड़ी का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके, इसके बाद आपको और भी, मैं अभी फ़िलहाल कुछ ही को बना रहा हूँ, तो आपको यहाँ से अपना व्हीकल का सेलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन से व्हीकल का आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, इसमें से आप हटा भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। आई एम विलिंग टू गो इन माई, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। फॉर्म 1 सबमिट, यहाँ पर आपको कुछ यस नो में क्वेरी का पूरा करना होता है। यहाँ पर आप इसमें नो नो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको पढ़ करके और इसको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। चलिए मैं अभी इसको यस कर लेता हूँ, नो भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपसे कुछ पूछ रहा है, नो कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इसको भी नो कर सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं अभी नो नो ही सारे को कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर इसको भी आप नो करेंगे। इसके बाद सारा टर्म एंड कंडीशन को पढ़ करके और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट टर्म सक्सेसफुल्ली इस तरह का ऑप्शन है ऊपर आपको दिख जाता है। इसके बाद ओके कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके, आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन नंबर दिख जाता है। आपको इसको कॉपी कर लेना है एक्सेप्ट, इस तरह का आपको दिख जाता है। ये सारे फॉर्म को आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट, इसको आपको प्रिंट कर लेना है। सब सेव, इसको सेव कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह का दिखता है अपलोड। आप फोर स्टेप में आपका आता है फी पेमेंट। यहाँ से आप फी पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसेड जैसे कि ये, यहाँ पर से आपको सारा चार्ज दिख जाता है। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है पेमेंट मेथड। इसके बाद आपको यहाँ से अपना आईडी डालना है। इसके बाद पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे टोटल आपको यहाँ पर दिख जाएगा टोटल अमाउंट। चलिए मैं इसका पेमेंट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, भीम यूपीआई से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे सुविधाएं दिख जाती है। अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, सीसीवी, यहाँ पर आपको ओटीपी इंटर कर लेना है। जैसे ही ओटीपी करके सबमिट किए तो आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। चेक हेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेना है। जैसे ही आप कैप्चा फिल करेंगे आपके सामने पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। इसको आपको सेव कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर इसका स्टेटस कंप्लीटेड इस तरह का दिख जाता है। अपलोड डॉक्यूमेंट सारा कंप्लीटेड स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ऑल अपॉइंटमेंट अंडर प्रोसेस एट आरटीओ लेवल, डॉक्यूमेंट अपलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन दिख जाता है। अब आपको कहीं भी फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप एप्लीकेशन नंबर से यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं। इसके बाद आप इसको प्रिंट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपने इस पास में इसका एप्लीकेशन नंबर रख लेना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको एक ऑप्शन दिख जाता है प्रिंटेड लर्नर लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर यहां पर इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे करेंगे आपके सामने डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा और आप आसानी से अपना लर्नर लाइसेंस घर बैठे बिना कहीं जाए आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हुआ हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर बनता है, साथ में घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल।